पूरी बात। अब जो है कि चाणक्या के संस्थापक प्रवीण कुमार झा जी द्वारा बहुत अच्छा साक्ष प्रशासन को सुपुर्द किया, इसके लिए हम लोग सौ धन्यवाद। आप पूरा इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अगर इन्वेस्टिगेशन में हम दोषी पाए गए तो आप पूरी तरह से आजाद है भाई, अब इसको रखने को। तो जब ये टैक्स में बात आ गई तो उन्होंने क्या किया, कहा ठीक है सर इस विषय को रखिए, आप 1.5 लाख रुपया हमको दे दीजिए, हम जो है इसको क्या करेंगे, मामला को सॉर्ट आउट करेंगे। ये कौन कौन डिमांड किया? ये आशीष मेहता ने किया। इसके लिए आप लोग क्या स्टेप लेंगे? हम लोग साथ हैं, चाणक्या के साथ हैं। मैट्रिक में आप पढ़ते हैं, अब इंटर आई टी आई में मेडिकल करेंगे, कहीं कोई घटना कर देंगे, बोलेगा उसी कोचिंग में पढ़ता था। तो कुछ लोग हैं इसके पीछे लगा हुआ साजिश, इस संस्थान को बदनाम किया जाए, उसी लोकल स्तर पर राजनीति हो। हाँ, उसी राजनीति का ये बार बार शिकार हो। आप सभी मीडिया वर्ग हैं, आप लोग इस चीज़ को जान ही रहे, लेकिन फिर भी उसमें दिखाया ये गया था कि एक आशीष मेहता नाम के एक सज्जन, क्या कहेंगे अब तो दुर्जन कहने का मन है, तो वो व्यक्ति जो है वो मेरे पास आते, वो मीडिया से जुड़े हैं, कोई डोलता या बोलता भारत से, वो मुझे जो है लगभग 11:30 बजे दिन में फ़ोन करते हैं कि सर हम आपका जो है स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। हमने पूछा कि सर आपने जो है क्या पीड़िता के यहाँ गए, क्या आप थाना में इस विषय को उठाए, आप मेरे पास आने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या आप उनके पास गए? तो नहीं सर, आप उस सबका छोड़िए, आप अपना स्टेटमेंट कर दीजिए। हमने ठीक है, ये सभी जो स्थानीय लोग हैं और अभी ये और अभिभावक है जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वो उनके अभिभावक, ये सब ने जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इन्होंने एक वीडियो को देखा तो ये लोग स्वतः आ गए। चाणक्य स्टडी पॉइंट के संचालक प्रवीण मिश्रा ने एक चैनल पर रुपए उगाही करने का लगाया आरोप। बताते चले कि बीते दिनों एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के द्वारा दुष्कर्म मामले को लेकर खबर को दिखाया गया था, जिसमें यह दिखाया गया था कि पीड़िता एवं दुष्कर्म करने वाले शिक्षक चाणक्य स्टडी पॉइंट संस्थान के हैं, जिसमें चाणक्य स्टडी पॉइंट के संचालक एवं शिक्षक पर आरोप लगाते हुए शिक्षण संस्थान को बंद करने एवं कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई थी। साथ ही खबर में वैजनाथ यादव के द्वारा संस्थान के संचालक पर झूठा आरोप लगाते हुए भी दिखाया गया है। जिस न्यूज को देख आसपास के बुद्धिजीवी ग्रामीण एवं बच्चों के अभिभावक बुधवार को चाणक्य प्रांगण में आना प्रारंभ कर दिया और देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए और चैनल के खिलाफ झूठा खबर दिखाने को लेकर रोष जताने लगे एवं चैनल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं इस संदर्भ में जब चाणक्य स्टडी पॉइंट के संचालक प्रवीण मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 17 अगस्त को बोलता भारत न्यूज चैनल से दो लोग आशीष मेहता और सरोज कुमार आए और कहने लगे आपके संस्थान के खिलाफ एक बड़ा मामला सामने आया है जिस संदर्भ में आपसे कुछ बात करनी है, जिसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपके संस्थान के शिक्षक एक छात्रा के साथ रेप किया है, जिसको अगर न्यूज में चला देंगे तो आपके संस्थान का नाम खराब हो जाएगा, जिसके बाद उनके द्वारा बोला गया कि यह सब बात को दबा दिया जाएगा, जिसके एवज में आपको हमें 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जिसके बाद मैंने इस बात का विरोध किया और कहा कि जब मेरा संस्थान इस मामले में निर्दोष है और इसमें मेरा संस्थान का कोई हाथ नहीं है तो मैं आपको क्यों दूं रुपया, आपको जो पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, जिसके बाद उनके द्वारा गलत ढंग से साजिश के तहत मेरे संस्थान और मुझ पर गलत आरोप लगाते हुए गलत खबर को दिखाया गया। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि अगर इस गलत खबर का खंडन कर सही खबर नहीं दिखाया गया तो जो लोग मेरे छवि को एवं मेरे संस्थान को धूमिल करना चाहते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। वहीं पीड़िता के अभिभावकों ने कहा कि घटित घटना में शिक्षण संस्थान के संचालक द्वारा पूरी मदद की गई है, जिनके कारण दोषी को जेल भेजा जा चुका है, शिक्षण संस्थान पूरी तरह निर्दोष है, इसे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जिला परिषद सदस्य राजीव सिंह ने कहा कि बिना जांच पड़ताल की इस खबर को नहीं चलाना चाहिए,
जिससे किसी व्यक्ति और प्रतिष्ठान का छवि धूमिल हो, यह बहुत ही निंदनीय है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। वहीं चाणक्य कोचिंग के संस्थापक ने बताया कि मैं पिछले कई सालों से यहां संस्था चला रहा हूं। मुझ पे इस तरह के आरोप लगाए, मैं घुट घुट कर मर रहा हूं। एक समय मन किया कि आत्महत्या कर ले, पर ये करने से मेरा छवि और खराब होता। मुझे इंसाफ चाहिए। से बदनाम करने का साजिश हो रहा है, पूरे साजिश है। इसके लिए आप लोग क्या स्टेप लेंगे? हम लोग साथ हैं, चनकिया के साथ हैं। अच्छा ये बताइए, आज आप लोग यहाँ किस उद्देश्य के साथ आए? वही जो हल्ला जो हुआ है, जो हल्ला किया है, चनकिया से बच्चा भाग गया है। तो हम नहीं जानते हैं कि चनकिया का बच्चा है, हम तो जानते हैं अपना बेटा बच्चा का बच्चा है, जिसका बच्चा है उसका बच्चा है। तो चनकिया का बच्चा कहाँ से आ गया? जो चनकिया का नाम हर बार ही होता है, बच्चा भगता है, कोई भी स्कूल का बच्चा भगता है, कोई भी स्कूल का नाम क्यों नहीं आता है जो बार बार चनकिया का बच्चा कहता है? मेरे घर से 14 बच्चा पढ़ रहा है, मेरा फैमिली आज तक तो कभी नहीं सुना है कि चनकिया का बच्चा खराब है, चनकिया का बच्चा है, चनकिया का बच्चा तो चौपड़ जा रहा है। लेकिन चनकिया का नाम क्यों बार बार बदनाम किया जा रहा है? बदनाम कर, आज बदनाम हुआ ना, हमारे पास में है बच्चा, इंटर तक पढ़ाई किया है, उसको कोई पैसा नहीं दिया। आप बच्चा जब बड़ा हो गया है तो थोड़ा बहुत कमा के आगे पढ़ेगा तो बच्चा पैसा तो लगेगा, तो पढ़ा ऐसा ऐसा बच्चा को प्रवीण मिश्रा पढ़ाया है, आज क्यों कोचिंग को आशीष कुमार किया, कौन किया, हम नहीं नाम लेना चाहते हैं, लेकिन बार बार यही आरोप आता है, कोई भी बच्चा यहीं से भागता है, उसका नाम नहीं। जब एक दो महीना पढ़ा या नहीं पढ़ा, चनकिया को क्यों बार बार बदनाम किया जा रहा है? हमको बुरा लग रहा, हमारा घर के 14 बच्चा पढ़ाई किया है, मेरे पास जाता है चनकिया सर, चनकिया से सारे मास्टर हम लोग को घर पे जाते हैं, अच्छा से बात करते हैं, महीने महीने मीटिंग में आते हैं, महीना महीना गार्जियन मीटिंग होता है यहाँ पर, हम महीने महीने आते हैं, सुनते हैं कि चनकिया में क्या क्या हो रहा है, हम देखते हैं सब चीज चनकिया में सही हो रहा है, तो आज आरोप कैसे हो गया? आपके हिसाब से चनकिया कभी गलत नहीं होता? नहीं, चनकिया कभी गलत हो ही नहीं सकता है, चनकिया कभी गलत जबरदस्ती कोई गलत कर दिया? सुनिए, आज जो दो आदमी गलत किया है, जो बैजनाथ यादव जो आज गलत किया है, बैजनाथ यादव कितना सुंदर है ये बात पहले बताइए, बैजनाथ यादव को दो बेटा भागा है, अभी 6 महीना में हुआ 1 बेटा भागा है, 2 साल में हुआ है फिर 1 बेटा, अपना पहले घर की संभालिए, उसके बाद दूसरे के संभालना चाहिए, समझे? उसके लिए तो जो चाणक्य चलाने वाले हैं उनको कोर्ट जाना पड़ेगा, तो जा नहीं रहे आप लोग? आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि जिस समय भी घटना हुई? बदनाम बेटा, बदनाम बेटा, चनकिया
कक्षा में नहीं पढ़ा था, वो क्यों भाग गया? चमकिया को क्यों नहीं, चमकिया को अरे तो पेपर छपने वाला है, नाम देने वाला, इतना फसाएंगे ना, इतना मार देंगे कि मार न ले सके। क्या सोचता है, क्या सोचता है? यह बच्चा भगता है, सभी स्कूल का बच्चा भगता है, उसको नाम नहीं होता, चमकिया को क्यों नाम हो जाता है? हम लोग को परेशानी में डालता है, इतना परेशानी में डालेंगे ना कि मत पूछिए। जो बदनाम आप लोग कह रहे हैं कि किया गया है, सही में चाणक्य क्या बदनाम हुआ है या फिर क्या हुआ है? गलत हुआ है, गलत किया गया है। तो आप लोग क्या, आप लोग का क्या इच्छा है, क्या कहना चाहते हैं? आप लोग अपना बच्चा यहाँ पढ़ाने के लिए भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? बच्चा का भविष्य बन रहा है, भेजेंगे। मेरा घर से 7 बच्चा आता है तो हम सर किससे मिलते हैं जुलते हैं, कैसा मेरा बच्चा चलता है नहीं चलता है, हम दुनियादारी छोड़ देखेंगे, मेरा बच्चा जहाँ भविष्य बनेगा वहाँ देखेंगे। किसी से झगड़ने से, किसी से लड़ने से तो कोई बात नहीं है, मेरा भविष्य कैसा बन सकते बच्चा को हम न जाने, कैसा चलाएंगे नहीं चलाएंगे। आज आप लोग चाणक्य के साथ हैं ना? सर चाणक्य के साथ है। सर ये बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आए हुए हैं, क्या मकसद है, लोग क्यों आए हुए हैं और क्या बताना चाह रहे हैं? ये सभी जो स्थानीय लोग हैं और अभी ये और अभिभावक हैं जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो उनके अभिभावक, ये सब ने जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इन्होंने एक वीडियो को देखा तो ये लोग स्वतः आ गए हैं और स्वतः आ करके इन्होंने कहा कि सर ये क्या हो रहा है आपके साथ, हम लोग आपके साथ हैं। तो हमने कहा कि देखिए आप खुद बुद्धिजीवी, आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और आप खुद जो है निर्णय लीजिए कि क्या हो रहा है। मेरे साथ जो हो रहा है उसका आप प्रत्यक्ष हैं, पिछले 10 वर्षों से आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके साथ अगर संस्थान ने गलत किया है तो आप संस्थान के जो है विरोध में जाएंगे और अगर संस्थान आपके साथ में है तो संस्थान के पास आएंगे। ये स्वतः आए हैं, मेरे द्वारा बुलाए गए नहीं। क्या दिखाया गया था जो सारा ग्रामीण आक्रोश है? आप सभी मीडिया वर्ग हैं, आप लोग इस चीज़ को जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें दिखाया ये गया था कि एक आशीष मेहता नाम के एक सज्जन, क्या कहेंगे अब तो दुर्जन कहने का मन है, तो वो व्यक्ति जो है वो मेरे पास आते, वो मीडिया से जुड़े हैं, कोई डोलता या बोलता भारत से, वो मुझे जो है लगभग 11:30 बजे दिन में फ़ोन करते हैं कि सर हम आपका जो है स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। हमने पूछा कि सर आपने जो है क्या पीड़िता के यहाँ गए, क्या आप थाना में इस विषय को उठाए, आप मेरे पास आने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या आप उनके पास गए? तो नहीं सर, आप उस सबका छोड़िए, आप अपना स्टेटमेंट रख दीजिए। हमने ठीक है, उसके कुछ देर बाद ही मेरे पास एक मैसेज आता है कि सर देखिए ये जो है आशीष मेहता है वो विभिन्न प्रकार के गलत गलत मैसेज को वायरल कर रहा है। तो फिर हम उस मैसेज को पढ़ने के साथ ही हम उनको इधर से फ़ोन द्वारा करते हैं कि आप ये मैसेज जो वायरल किया था आपका स्टेटमेंट लेने से पहले किया था? हाँ हाँ, ये स्टेटमेंट लेने से पहले। अच्छा, तो फिर हम उनको फ़ोन करते कि आप जो है क्यों ये ऐसा किए, आप मास कम्युनिकेशन किए हैं, आप किस प्रकार का रिपोर्टर हैं, रिपोर्टर का जो है क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हैं? तो वो हमको फ़ोन कर कहते हैं कि आप होते कौन हैं, ये हमसे पूछने वाला DM है। हम मेरा यही कहना था कि आप किसी के विषय में अनगरल कुछ भी छाप देंगे और कोई पूछेगा भी नहीं, तो हम बोले कि ठीक है आप आइए। जब वो आए तो उसी मूड में थे, हमारे जो हैं यहाँ के जो लैंडलॉर्ड हैं नीरज जी, हमने उनको सूचना दिया, वो मेरे साथ आए ऑफिस में, हम लोग बैठे हुए थे, वो आए और अनगरल बात जो है कहने लगे कि आखिर ये है वो है। हमने कहा ठीक है सब, हमने प्रिंट मीडिया पर जो मैसेज न्यूज आया है हमने उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया, आप पता लगाइए, लेकिन आप ही पर हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने इस बात को बड़ा विचित्र तरीके से पेश किया, तो ये नहीं होना चाहिए। आप पूरा इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अगर इन्वेस्टिगेशन में हम दोषी पाए गए तो आप पूरी तरह से आज़ाद हैं भाई, आप इसको रखने के। तो जब ये टेस्ट में बात आ गई तो उन्होंने क्या किया, कहा ठीक है सर इस विषय को रखिए,
आप 1.5 लाख रुपया हमको दे दीजिए, हम जो है इसको क्या करेंगे, मामला को सॉर्ट आउट करेंगे। ये कौन कौन डिमांड किया था? ये आशीष मेहता ने किया। अच्छा ठीक, आपसे किया जी 1.5 लाख रुपये का डिमांड। आपका जवाब क्या है सर? मेरा जवाब क्या होगा, हम गलत रहेंगे तब ना हम पैसा देंगे? हम गलत हैं जो हमको अपने न्यूज को लिपापोती करवाना है? आप हमसे अभी भी, आप भी आए हैं, आप भी, आपको जो भी केस के संदर्भ में पूछना आप पूछिए हमको, आपको उसमें गलत लगेगा तो आप इसको फिर खंडन करवाइए हमसे, आप हम पे FIR करवाइए अगर हम गलत कोई मैसेज देंगे तो। फिर क्या हुआ जो सारे लोग आक्रोशित हैं, क्या हो गया? इनको लगा कि इनके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वो संस्थान को बदनाम कर रहे हैं तो वो स्वतः आ गए। अच्छा, पैसा का, अपने जो पैसा नहीं देने के लिए का बात कहा, तो फिर क्या किया वो? जब पैसा देने की बात जैसे उठा ही, उससे पहले खड़ी, वो तो अब मीडिया वर्ग है तो उनको तो ये पता है कि कब किस परिस्थिति में मांगना चाहिए, तो उन्होंने पहले जब देख लिया कि सिक्योरिटी है, मतलब पूरी तरह से कोई उनका वीडियो वीडियो नहीं बना रहा है ना ऑडियो, चूँकि हम लोग तो साधारण लोग हैं, हम लोग को इस सबसे क्या मतलब है कि वीडियो बनाना कुछ बनाना। तब वो एक बच्चा जो है वो मोबाइल को ऐसे सिर्फ रखा हुआ था, उसी में उन्होंने क्या किया, उनका एक सहयोगी था सरोज कुमार, उसने जो है उससे हाथापाई करने लगा। उस समय हमारे संस्थान में 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं अपना जो है टेस्ट दे रहे थे, वो सब इस बात के साक्ष्य हैं। बल्कि नीरज जी से तो तूतू मैं हो गया, उंगली दिखा दिखी हो गया। नीरज जी जैसे सज्जन व्यक्ति जो उनके पिता तुल्य हैं, वो 2008 में मैट्रिक दिया है आशीष मेहता, उसके वर्ग के उसके सहयोग जो सहपाठी है उसको संस्थान ने पढ़ाया है, और वो व्यक्ति जो है वो नीरज साहब को जो मेरे भी अभिभावक है उन पर उंगलियाँ उठाई, तो फिर हमको भी लगा कि नहीं ये मामला अभी नहीं होगा। हमने कहा आप मेरा जो भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं करके ले जाइए, आपको जो करना है कीजिए, हम पैसा कहाँ से देंगे, हम गलत होंगे तब ना आपको पेमेंट करेंगे भाई। क्या मांग है आपका आदमी? मेरा मांग यही है, आप सभी मीडिया, आप यहाँ आए हैं, आपके बीच में समाज है, ऐसा नहीं है कि ये सभी चाणक्य के ही हैं, यहाँ पर समाज सेवी लोग भी हैं, प्रतिनिधि भी हैं, आप उनसे स्टेटमेंट लीजिए कि 10 साल में अगर संस्थान खराब थी तो उनकी भी जिम्मेवारी होती है कि वो भी क्यों ना संस्थान को पहले हटाए, और अगर 10 साल से संस्थान चल रही है तो फिर कोई मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है। बैजनाथ यादव नाम का एक व्यक्ति जो इस विषय को जो है विशेष रूप से जो है कोचिंग को टारगेट किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? आप मीडिया से हम इंसाफ मांग रहे हैं। बैजनाथ यादव को क्या दिक्कत है आपसे? ये तो आप उनसे बात कीजिएगा, ये तो मेरी समझ में नहीं है। नाम ये, मेरा नाम प्रवीण कुमार मिश्रा हुआ, चाणक्य स्टडी पॉइंट मेरे ही संरक्षण में चल रहा है। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हो जो बिना जानकारी, बिना तथ्यों का जानकारी लिए किसी पर आप आरोप लगा देते हैं, किसी पर लांछन लगा देते हैं, ये गलत बात है। किसी भी तथ्य की पूरी जानकारी ले लेना चाहिए, उसके बाद किसी बात को आपको प्रेस करना चाहिए। बिना पूरा जानकारी लिए किसी को बदनाम करना ये सही नहीं है। हम उनसे भी कहते हैं, पूरा समाज उसी का विरोध, पूरा समाज आज आपको देख रहे हैं हजारों की संख्या में, क्योंकि हम लोग भी जान रहे हैं 10 साल से ये संस्थान है। किसी संस्थान का मापदंड क्या होता है? अच्छा रिजल्ट। इस संस्थान का जब से आया है रिजल्ट, चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो, बीए हो, हर जगह इनका बच्चा जिला में टॉप करता है। लोग अपने बच्चों को भेजते हैं और बहुत गरीबों को निःशुल्क पढ़ाते हैं, और इसीलिए इतना लोग चारों तरफ से अपने आप इनके सपोर्ट में आ गए। और इस तरह की कोई बात नहीं है, 10 साल से अब कोई भी बच्चा कोचिंग में 2 घंटा टाइम बिताता, बाकी 22 घंटा तो अपने घर में बिताता। सिर्फ किसी संस्थान को गलत करार दे देना ये कहीं से सही नहीं है। हम लोगों का मानना है यहाँ अच्छा शिक्षा मिलता है, पढ़ते हैं, टॉप करते हैं क्लास में, रिजल्ट अच्छा आता है, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं और बहुत कम शुल्क भी लेते हैं जिसके पास पैसा नहीं है। बगल में लड़का है, बहुत गरीब परिवार से है, और इसको सारा चीज़ दे के पढ़ाया और ये लड़का जिला में टॉप किया, तो ऐसे ऐसे बहुत लड़का की मदद करते हैं, इसीलिए हम लोग भी इनके साथ हैं। इस तरह की कहीं कोई बात, आप पढ़ के कोई यहाँ से चले गया, मान लीजिए आप मैट्रिक में आप पढ़ते हैं, अब इंटर IIT MA मेडिकल करेंगे, कहीं कोई घटना कर देंगे, बोलेगा उसी कोचिंग में पढ़ता था। कुछ लोग हैं इसके पीछे लगा हुआ साजिश है, इस संस्थान को बदनाम किया जाए, उसी लोकल स्तर पर राजनीति हो, हाँ उसी राजनीति का ये बार बार शिकार हो, तो कहीं से इस तरह का कोई बात नहीं है। जी बताएं, कल एक न्यूज आया था मार्केट में दुष्कर्म वाला मामला में,
आपने चाणक्य स्टडी पॉइंट के बारे में बयान दिया था, क्या सच्चाई है उसमें, क्या हुआ है मामला पूरी बात? अब जो है कि चाणक्य के संस्थापक प्रवीण कुमार झा जी द्वारा बहुत अच्छा साक्ष प्रशासन को सुपुर्द किया, इसके लिए हम लोग सौ धन्यवाद उनको देते हैं। उन्होंने साक्ष विरोधी के आपने न्यूज़ चैनल को ये बयान दिया था कि चाणक्य जो है अपराधी के साथ दिया है और अपराधी का मनोबल बढ़ाया, इस तरह से कुछ बयान दिए इस संदर्भ में? नहीं, ऐसा हम बयान नहीं दिए हैं। अच्छा। अपराधी का मनोबल बढ़ाया, वह प्रीता के जो उसके पास समान साक्ष था उन्होंने प्रीता का हेल्प किया है। अच्छा, हेल्प किया। अच्छा, और हम ऐसा बयान नहीं दिए हैं जो कि प्रीता को आघात पहुंचे और प्रवीण कुमार झा को आघात पहुंचे संस्था के ऊपर। क्या परिचय है आपका? वैद्यनाथ यादव। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।